मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर के कार्यालय पर आक्रोश पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए जिप सदस्य सागर नवदिया ने बताया कि विगत महीना बदरबन्ना में एक नौजवान की हत्या हो जाती है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटी। समय रहते अगर पुलिस संजीदगी दिखाती तो यह घटना नहीं होती। घटना के बाद इसके विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने थाना का घेराव किया था। पुलिस प्रशासन ने लिखित में समझौता पत्र तैयार किया था, लेकिन समझौता पत्र में अंकित एक भी मुद्दा पर प्रशासन ने काम नहीं किया। महीनों बीत जाने के बाद भी मुख्य हथियारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस बस खाना पूर्ति कर रही है। बेनीपुर में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। थाना चौकी पर दलालों का राज है, बिना चढ़ाव दिए आमजन का एक भी काम थाने में नहीं करवा पाते हैं। हत्या करने वाला यह साजिशकर्ता जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कमरुल हसन है। बेनीपुर विधायक भी इसी दल से आते हैं। पुलिस से हुई समझौता में स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाने की बात हुई थी, लेकिन पुलिस की बदखिलाफी देखिए कि 45 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक मामले का सुपरविजन नहीं हुआ है। प्रशासन पैसे और नेताओं के दबाव में काम कर रही है। वहीं जिला परिषद सदस्य अमित कुमार ठाकुर ने कहा कि डीएसपी से सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन को तत्काल स्थगित किया गया। आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द दोषी गिरफ्त में होंगे। प्रदर्शन में कुणाल सिंह, गुड्डू, रोहित मिश्रा, हर्ष मिश्रा, झमेली राम, कन्हैया मिश्रा, सहजाद अहमद, गुड्डू इमरान, चीकू सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे। के बाद कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग ऐसे संगठन से हैं जिस संगठन का एक ही उद्देश्य है कि गरीबों पे जब भी अन्याय होती है तो हम लोग अन्याय की बात करते हैं, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। इससे पहले हम लोग थाना को घेरे, आश्वासन दिया, नहीं माना। आज हम लोग डीएसपी को घेरे हैं, ये भी आश्वासन दिए, नहीं मानेंगे। तो अगली बार हम लोग 100 टेम्पू ले जाके एसएसपी को घेरेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भरोसा देता हूँ आम लोगों को कि जब जब आपके ऊपर जुल्म आएगी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन हो या मैं हो या मैं सागर नवदिया हो या कोई भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन का सेनानी हो, आपके हक हुकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अमित कुमार ठाकुर, जिला परिषद सदस्य, बेनीपुर। आंदोलन कर रहे थे, देखिए जिस तरीके से 10/11/2022 को हरिपुर पंचायत अंतर्गत बदरबन्ना गांव के एक नौजवान नसीम पे जानलेवा हमला होता है और 20/11/22 को उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद हम लोग 21 तारीख को थाने का घेराव करते हैं 21 नवंबर को, और समझौता पत्र तैयार होता है कि जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी 72 घंटे के अंदर होगी, उन स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। आज 45 दिन बीत जाने के बाद जब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि सुपरविजन भी नहीं किया। अब हमारे आंदोलन के दबाव में बेनीपुर के पुलिस कप्तान आम जनता के सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो ही हमको मौका मिलेगा हम जो है सो जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, चूंकि काम भी आप ही को करना है, कोई दूसरे डीएसपी और दूसरे थानेदार आके नहीं करेंगे। मेरा विश्वास आप पे करना, मेरा मजबूरी हो या जरूरी हो, लेकिन एक बात कह के जाते हैं कि अगर आरोपी कमरुल हसन और तमाम सागर गिरफ्तार नहीं होता है, वो सलाखों के पीछे नहीं होता है, तो फिर से यहाँ पे 1000 नहीं 10,000 के साथ इनको घेरने का काम